स्वागत है आप सबका जिम एफ्रो टी टेन लीग के 15वें मुकाबले के अंदर। दिन का लास्ट गेम है ये मुकाबला, होगा यहाँ पे बुलोवेव ब्रेव्स बनाम जोबर्ग बफेलोस के बीच में हरारे के अंदर। मैच टाइमिंग है रात के 10:30 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट शेड्यूल का रुख करते हैं। जोबर्ग बफेलोस 4 मैचेस खेल के सिर्फ 1 मैच जीती है, 3 मैचेस हारी है, पॉइंट शेड्यूल के ऊपर सबसे नीचे है। और ये दिन का दूसरा मैच है इनका, शाम को 6:30 बजे इनका पहला मैच होगा, उसके बाद इनका दिन का दूसरा मैच है रात को 10:30 बजे। वही बात करते हैं बुलोवेव ब्रेव्स की, पॉइंट शेड्यूल के ऊपर तीसरे स्थान के ऊपर है, 5 मैच खेली है, 2 जीती है, 3 मैच हारी है। और आप सोचोगे कि बुलोवेव ब्रेव्स के मैचेस रात को क्यों हो रहे हैं 10:30 बजे, मैं समझाता हूँ। रीजन क्या है, सिकंदर राजा इस टीम के लिए खेलते हैं, सिकंदर राजा कैप्टन है बुलोवेव ब्रेव्स के, और जो जनता आती है मैच देखने वो बहुत बड़ी फैन है जिम्बाब्वे की जनता सिकंदर राजा की, और रात के मैचेस के अंदर ज़्यादा जनता मैच देखने आती है, इस वजह से आप देखते हो बुलोवेव ब्रेव्स के मैचेस नाइट के अंदर होते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो भाई आप देखो क्रेज क्या है सिकंदर राजा का जिम्बाब्वे कंट्री के अंदर, भाई साहब सिकंदर राजा राजा है जिम्बाब्वे कंट्री का। अब देखें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसका क्या फ़ायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। मैच की टाइमिंग दी है रात के 10:30 बजे, ठीक है, बढ़िया। मैच ना 11 बजे के आसपास स्टार्ट होता है और डेडलाइन से 3-4 मिनट पहले लाइनअप्स आउट होता है इस क्लैश के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट्स जो आएगी कुछ भी मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, लिंक मैंने दिया और डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज्वाइन कर लेना। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर मैच है, इस वेन्यू के ऊपर कल लास्ट मैच हुआ था, वो भी दिन का तीसरा गेम था, ये भी दिन का तीसरा गेम है, ठीक है। तो उस मैच में देखो क्या हुआ, हरारे हरिकेन्स पहले बैटिंग करती है, 134 बनाती है, लग रहा था इजीली डिफेंड हो जाएगा, 134 मतलब पहली बार बनाता है टूर्नामेंट के अंदर। फिर आती है यहाँ पे बुलोवेव ब्रेव्स, सिकंदर राजा वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, सब यही कहते हैं जिम्बाब्वे के अंदर, तो उसके बारे में आया, 5 बॉल रहते टारगेट चेस कर गया, 70 रन की पारी आई थी वहाँ पर, 137 का टारगेट चेस हो गया, सोचो क्या इनिंग्स थी, 5 बॉल बची थी, 150 बन जाते हैं यहाँ पर वैसे तो, 91 बना उससे पहले, जो टीम चेस करने आती है वो टारगेट चेस कर जाती है लास्ट बॉल पे, 106 बना टारगेट यहाँ पे चेस नहीं हुआ, 2 रन से पीछे रह गई टीम, 122 बना टारगेट चेस नहीं हुआ, 96 बना टारगेट चेस हो गया, 126 बना ये भी चेस हो गया था, 2 बॉल रहते। तो इस वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस के अंदर बैटिंग फर्स्ट है, चेस करते हुए 6 मैचेस जीते गए हैं। और जो रात के गेम्स होते हैं, रात का गेम होगा, फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब स्टेडियम के ऊपर लाइट्स होंगी, तो लाइट जब स्टेडियम के ऊपर होती है तो बॉल स्किड करके बैट के ऊपर आती है, और आप देखोगे जो टीम दूसरी बारी में बॉलिंग करेगी ना उनके स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में दिक्कत होगी, ड्यू फैक्टर आता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बैटिंग फर्स्ट इन द नाइट गेम्स जो टीम करती है उसको बहुत डिफिकल्टी होती है, बिकॉज जो टीम पहले बैटिंग करती है सेकंड इनिंग्स में आके बॉलिंग करती है यहाँ पे। तो देखिए बुलोवेव ब्रेव्स 5 में से 2 मैच जीती है, जोबर्ग बफेलोस 4 में से 1 मैच जीती है, प्रति ओवर 10 के आसपास रन्स बनते हैं। जो लास्ट मैच था दिन का तीसरा गेम था, उस गेम में 2 विकेट था पेसर्स का, 4 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। विकेट वालों को समझते हैं, लास्ट 12 गेम्स के अंदर आप देखो पेसर्स ने 65 विकेट निकाला है, पहली पारी में 29 है, दूसरी पारी के अंदर 36 है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली पारी के अंदर ही बॉलर्स विकेट निकालें, दूसरी बारी में भी विकेट्स निकालते हैं। राइट आर्म पेसर 47, लेफ्ट आर्म पेसर 18 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करें 52 विकेट है स्पिनर्स के, पहली बारी में 26, दूसरी बारी के अंदर भी 26 है। ऑफ स्पिनर्स का 23, लेग स्पिनर्स का 10, लेफ्ट आर्म चैनल का 9, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 10 विकेट है। आपको मैं पिच की फोटो दिखाता हूँ, ऐसी पिचेस यहाँ पर दिखती है, ये देखिए आप डायमेंशन, जो मैंने सुना था कमेंटेटर से स्क्वायर बाउंड्री तो 68 मीटर्स है, बट सामने की बाउंड्री भी 68 मीटर ही है। अपन ने क्या देखा था, जब यहाँ पे ICC मेंस क्वालिफाइड हुए थे वर्ल्ड कप के, तब 80 मीटर के सामने बाउंड्री थी, बट ये T10 है तो बाउंड्रीज को छोटा किया गया है, 68 मीटर्स की यहाँ पे सामने की बाउंड्री है। स्टेडियम का व्यू बड़ा ही खूबसूरत, मैदान है, रूल्स देख लें, 7 ओवरसीज प्लेयर अलाउड है, जो मैंने आपको पहले बताया वही रूल्स है सारे। बुलोवेव ब्रेव्स बेन मैकडरमॉट ओपन करेंगे कॉबी हरफियत के साथ, दोनों बहुत अच्छे हिटर्स हैं, सिकंदर राजा वन डाउन आते हैं, एस्टिन टर्नर, रियान बुरेल, तिशरा फरेरा, बियो वेबस्टर, मरुमा, फराज जाकरम, टिमा मिल्स, टस्किन अहमद, वैसे पैट्रिक डॉली खेल रहा है आजकल क्योंकि परेरा का परफॉर्मेंस आ नहीं रहा विद द बैट विद द बॉल। बुलोवेव ब्रेव्स बेन मैकडरमॉट 18 रन पहले गेम में, दूसरे में 13, 27, 6, 8 रन, खास टूर्नामेंट नहीं गया भाई का, इतना बड़ा नाम लेके आता बट परफॉर्मेंस नहीं आया। कॉबी एरफेत 5, 9, 18, 10 लास्ट गेम में 41 किया, बहुत अच्छा साथ निभाया था सिकंदर राजा का, सिकंदर राजा ने 70 किया था 21 गेंदों के अंदर, एग्जीबिशन था वहाँ पे पूरा एक, और एक विकेट निकाला 25 रन देखे, उससे पहले 11 रन, 17 रन, 1 रन,
मतलब इसने पहले मैच में बहुत बड़ी पारी खेली थी 61 रन की, और लास्ट गेम में एक अच्छी पारी खेली। 5 मैचेस खेल के राजा 2 मैचेस में अच्छा खेला सिर्फ, और 2 मैचेस में ऐसा खेला दोनों मैचेस अकेले दम पे जीत दिलाई इसने। वेबस्टर 39 पहले मैच में, दूसरे में 6, फिर 6 रन, लास्ट गेम में 12 बनाया था वेबस्टर ने 5 गेंदों के अंदर। इसने भी बहुत अच्छा रोल निभाया और 2 ओवर में 26 रन दिया। रैन बुरेल 0-16, 0-11, 0, मरुमा 12-0, 0-2, तिसारा परेरा 0, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है परेरा, खास परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। पैट्रिक डॉली 1 ओवर में 13 रन भी देता, 2 विकेट भी निकाल जाता है, 1 विकेट उससे पहले। प्रेस्टिज ने 1 ओवर में 26 रन दिया, बहुत मार खाया। मिल 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। टस्किन भाई का 1-1-3, 1 विकेट है सुपर टूर्नामेंट के अंदर। फराज आकरम को लास्ट मैच खिलाया बट बैटिंग नहीं दी ना बॉलिंग दी इसको। टस्किन का पहला 8वां था लास्ट गेम में, प्रेस्टविच का 2रा था, राजा का 3रा 5वां था, वेबस्टर का 4था और 10वां था, पैट्रिक डोली का 6वां, टिम आर्मिल्स का 7वां 9वां ओवर था। जो बग बफेलोज, टॉम बेंटन विल समित ओपन करने चाहिए मोस्टली, ऑफिस वन डाउन आए तो ही बेटर है। मुशफिकुर रहीम, यूसुफ पठान, वेस्ले मदरेवे, माजा काटजा जूनियर, दाला, ब्लेसे मुजबानी, विक्टर न्योची, नूर अहमद आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखने चाहिए मोस्टली। रिव्यू ऊपरा भी आएंगे, आप देखते हो टी टेन के अंदर हमेशा लाइनअप चेंज होते रहते हैं हर मैच के अंदर। रीज़न क्या है, यहाँ पर पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी, हर गेम के अंदर आपको अलग अलग प्लेयर्स खिलाने पड़ते हैं। मिनिमम 3 मैचेस आपको लोकल इमर्जिंग प्लेयर को खिलाना पड़ता है, इस वजह से कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है। इंपैक्ट प्लेयर भी इस टूर्नामेंट के अंदर, तो कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा खिचड़ी जैसा दिखेगा, हर मैच में अलग अलग चीज़ हो रही है यहाँ पे। टॉम बेंटन के स्कोर कार्ड देखो, 34-55-6-5। मिल्टन शुम्बा इंपॉर्टेंट नहीं है। विल समित 4-1-0-21, टूर्नामेंट को इसने अभी तक अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है। लास्ट गेम में थोड़ी अच्छी पारी आई थी 21 रन की, वरना हर मैच में सिंगल डिजिट स्कोर थे। पठान साहब 20 रन किया लास्ट गेम में। रवि उपाध्याय ने 19 गेंदों के अंदर 40 ठोक दिया था बट अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। नबी का लास्ट ओवर था, 16 रन चाहिए थे कुछ लास्ट ओवर के अंदर, 16-20 रन नहीं बना पाई टीम। हफीज 1 विकेट था लास्ट मैच में, उससे पहले 0-2-6 विकेट। मदरेवे भी कोई खास प्लेयर नहीं लग रहा, अभी ओपन करे तो बात अलग है। नूर अहमद का 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मुजरबानी का 1-0-0-0। मजा काटजा मार जरूर खाता है, दिन रात तो 1-2 विकेट निकाल जाता है, कैचेस पकड़ता है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़ा रहता है, मिड विकेट वाले एरिया पे मतलब बाउंड्री के आसपास खड़ा रहता है जहाँ पे बॉल आती है। हफीज़ का पहला 7वां था, मुजरबानी का 2रा 9वां, शिनवारी का 3रा 10वां, माजा कर्जा का 4था 6वां, नूर अहमद का लास्ट गेम में 5वां और 8वां ओवर था। ये सारे प्लेयर्स के टी10 स्टैट्स आप इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, हर एक प्लेयर के टी10 स्टैट्स मैंने दिए हुए हैं, अभी एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हो। मैचअप्स की बात करते हैं, डैन मैकडरमॉट वर्सेस रवि बोपारा, 14 बॉल 15 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। माजा काटजा ने 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। टर्नर ने लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट 3 विकेट निकाला था, कुछ 120 ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसमें से 2-3 कैच पकड़े थे इसी टीम के अगेंस्ट, बुलोवे ब्रीव्स के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले, और ना हैट्रिक पे भी था वो। रियान बुरेल वर्सेज हफीज, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 10 बॉल में 11 रन देके। तीसरा परेरा वर्सेज हफीज, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, शिनवारी ने 1 बार आउट किया, नूर ने 1 बार आउट किया, बोपारा ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। सिकंदर राजा वर्सेज ऑर्डन स्मिथ, 1 बार हफीज ने 1 बार आउट किया, 4 बॉल में 1 रन दे, 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, 13 बॉल में 7 रन दे गए। टॉम बेंटन वर्सेज टिमाल मिल्स, 21 बॉल 23 रन है, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। विल समित वर्सेज फराज आकरम, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। हफीज वर्सेज तीसरा नॉर्मल मैचअप है। मुशफिकुर रहीम वर्सेज टस्किन अहमद, 9 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 39 बॉल में 43 रन दे गए। रवि बोपारा वर्सेज तीसरा, वही बात है, एक बार तीसरा रवि को आउट करता है, एक बार रवि तीसरा को आउट करता है, दोनों के बीच में चलता रहता है ये, वेतरन प्लेयर्स हैं। मदरेवे वर्सेज टस्किन, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 71 बॉल में 85 रन दे गए। साइनअप कर सकते हो विजन इलेवन के ऊपर, क्या फ़ायदा, फ्री के अंदर आपको यहाँ पे ₹500 साइनअप बोनस मिलता है, जो आपको आमतौर पर और एप्लीकेशन के ऊपर नहीं मिलता। एंट्री फीस बहुत कम, आप खेल के देखिए आपको अच्छा लगेगा। रेफर कोड स्टैट्स गुरु, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन की बात करते हैं, सिकंदर राजा, हफीज, वेबस्टर, बेन मैकडरमॉट कॉमन कैप्टन होंगे। कॉमन तो राजा और हफीज है, जीएल के बता रहा हूँ, वेबस्टर, बेन मैकडरमॉट, बेंटन और विल समित में से कोई एक बड़ी पारी जरूर खेलता है, बट ये टूर्नामेंट इनका पता नहीं कैसा गया इस बार। 1 मिलियन का मिशन है, देखते हैं कब पूरा होता है। मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, जो स्टैट्स आपको उन्होंने पूरे वीडियो में दिए हैं, ये सब आपको चाहिए तो जाइए प्ले स्टोर के ऊपर, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टैट्स गुरुजी नाम से, ऐड फ्री है पूरा, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। 50,000+ डाउनलोड्स है, डू चेक इट, रेटिंग 4.5 के ऊपर है। टीम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैप्टन क्या है, सिकंदर राजा को, वाइस कैप्टन हफीज है। मोस्टली आपको हर स्मॉल लीग के अंदर
या मिनी जेल के अंदर ये दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेंगे। बस प्लेयर ऑडिशन होगा। टॉम बेंटन, बेन मैकडरमॉट, विल स्मिथ, भोपारा, बियर वेबस्टर, ब्लेस मुजब्बानी, नूर, टस्किन, टिमाम मिल्स। चेंजेस कर सकते हो आप, जैसे पैट्रिक डॉली को लेके जा सकते हो। कीपिंग में मुशफिकुर रहीम ऑप्शन आपके पास, खेलेगा तो ले लेना, वरना क्या मतलब है लेने का। फिर विल स्मिथ इंपॉर्टेंट रहेगा अगर खेलता है तो, देख लेना। ये जो मैच खेल रहे हो आप, जोबर्ग बफेलोस पहले शाम को 6:30 बजे एक मैच खेलेगी, उसके बाद ये मैच खेलने वाली है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप वो 6:30 बजे वाला स्कोर कार्ड देख लेना एक बार, उस मैच में क्या हुआ था उसको समझ लेना एक बार। फिर यहाँ पे कोबी हैरफेड अच्छा क्रिकेटर है, लास्ट गेम में अच्छी 40 रन की पारी खेल के गया था, ट्राई कर सकते हो। टर्नर मेरे को लग नहीं रहा टीम खिलाएगी। राजा इंपॉर्टेंट, हफीज इंपॉर्टेंट, वेस्टर इंपॉर्टेंट है, रवि वगैरह खेलेगा तो ले लेना टॉप ऑर्डर के अंदर। नूर अहमद, टस्किन, टिमामल्स तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा प्लेयर आपका हो सकता है माजा कार्डजा, जो लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट खेला था तो 163 पॉइंट्स लेके गया था। सोचो आप 163 कैसे सच्चे पकड़ता ही है। तो देखते रहिए स्टैट्स भी, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। मिलते हैं फिर से कल 3 वीडियोस के साथ फॉर द T10। कल T10 का सेकंड लास्ट डे, फिर परसों लास्ट डे होगा फॉर द ग्रुप स्टेजेस, उसके बाद प्लेऑफ के मैचेस चालू हो जाएंगे। तो सी सून, जय हिंद।